हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज़ फॉर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। आज हम लोग देखेंगे उन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे कौन कौन से मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है, तो बड़ा इजी है। उन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग ने कुछ मटेरियल को क्लासिफाई कर लिया है और वही मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, बेबिट मेटल। ठीक है, हम ये पता है कि बेबिट मेटल क्या है, एलॉय है। ठीक है, हम पढ़े भी हैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस में, मटेरियल साइंस में, कि एलॉय क्या होता है। एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। ठीक है, ये सबको पता है, रिवाइज कर लिया हम लोग। तो बेबिट मेटल किसका बना होता है, द टिन, ये एम था, एन हो गया, द टिन एंड लेड बेस बेबिट्स आर वाइडली यूज एज बेयरिंग मटेरियल बिकॉज दे सेटिस्फाइज मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर जनरल एप्लीकेशन। ठीक है, द बेबिट्स आर रिकमेंडेड वेयर मैक्सिमम बेइंग प्रेशर इज नॉट ओवर 7 to 14 Nm/mm². ठीक है, 7 से 14 Nm/mm² से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक उतने रेंज में हम यूज करेंगे। तो बेबिट मिल कितने तरह के होते हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग, टिन बेस बेबिट। ठीक है, अब देखिए इसी से हम लोग डिवाइस करने से हम लोग का एक रिविजन हो जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन एग्जाम की बात कर रहे हैं, मेन मतलब जब हम लोग आगे एग्जाम देंगे टेक्निकल वगैरह, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पढ़ने से हम लोग का वो भी रिविजन हो जा रहा है। वैसे तो एग्ज़ाम में आएगा तो हम करेंगे इसको, यहाँ पढ़ने से हमारा मेन एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम में वो भी कवर हो जाएगा। टिन बेस बेबिट्स, ठीक है, और उसका कंपोजिशन क्या है, टिन 90%, कॉपर 4.5%, एंटीमनी 5% एंड लेड कितना है, 5%। ठीक है, मेन इसमें क्या है, टिन और लेड। ठीक है, ये दो चीज़ तो होना चाहिए। टिन बेस में टिन ज़्यादा है, फिर कॉपर 4.5, एंटीमनी 85% और लेड भी 0.5%। लेड बेस बेबिट, ठीक है, अब देखिए जो बेस है, ठीक है, वो उसका कंपोजिशन ज़्यादा है। लेड बेस में क्या है, 84% लेड, टिन 6%, एंटीमनी 9.5%, ठीक है, और कॉपर 0.5%। अगेन लेड और टिन इसमें रहेगा, यानी बेबिट मेटल में लेड और टिन रहना ही रहना है। चलिए, हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, तो मेटल कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग, बेबिट मेटल। नेक्स्ट ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज भी हमारा एक एलॉय है, पढ़े भी हम लोग पहले, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर और टिन का और जिंक भी है, थोड़ा कंपोजिशन देखते हैं। द ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर टिन एंड जिंक, Cu, टिन का एसन होता है और जिंक Zn, आर जनरली यूज इन द फॉर्म ऑफ मशीन बुश ब्रिस्ट इन टू द सेल। ठीक है, इस फॉर्म में, सेल के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। द बुश मे बी इन वन और टू पीसेस। ठीक है, जो बुश हम यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ बेयरिंग में आप लोग देख ही होंगे बुश बेयरिंग। ठीक है, तो जो बुश यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या होता है, एक या दो पीस में होते हैं। ठीक है, तो बुश के फॉर्म में होता है। द ब्रॉन्ज कॉमनली यूज फॉर बेयरिंग मटेरियल आर गन मेटल एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज का ही दो कैटेगराइजेशन है, गन मेटल एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये दो वैरायटी हम लोग बेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, गन मेटल और फॉस्फर ब्रॉन्ज। गन मेटल कंपोजिशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा ये फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइंस और मटेरियल साइंस डिवाइड कर ले रहे हैं इसी बारे में। ठीक है, और इसका फ़ायदा हम लोग को एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बाद कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, रिवाइज करते हैं, और हमारा मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जा रहा है एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर 88%, टिन एसन मतलब टिन 10%, एंड जिंक 2% इज यूज फॉर हाई ग्रेड बेयरिंग सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। और ये क्या है, नॉट लेस देन 10 Nm/mm एंड हाई स्पीड। ठीक है, 10 Nm/mm² ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और हाई स्पीड यहाँ पर हम उसको यूज करते हैं गन मेटल को। ठीक है, डंटल कॉपर टिन एंड जिंक। ठीक है, कंपोजिशन जब बस वेरी हो जा रहा है यहाँ पे।
उसके बाद फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज का कंपोजिशन क्या है? कॉपर 90%, टिन Sn 10%, लेड 9% एंड फॉस्फोरस है वो पी, ठीक है, वो 1% है, फॉस्फोरस है 1%। इज यूज फॉर बेयरिंग सब्जेक्टेड टू वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, वेरी हाई प्रेशर, और जो प्रेशर कितना होना चाहिए 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक, ठीक है, और स्पीड यानी लो प्रेशर एंड लो स्पीड होगा तो गन मेटल, ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड होगा तो फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं प्रेशर भी एक हमारा क्राइटेरिया था जो हम कल देखे थे, तो प्रेशर भी हमारा एक क्राइटेरिया था, हमारा प्रॉपर्टी था इसके लिए मटेरियल सिलेक्शन के लिए, यानी वैसी प्रॉपर्टी उस मेटल में होनी चाहिए, वो मेटल हमारा कौन सा है? गन मेटल एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज, मेनली ब्रॉन्ज। आगे आते हैं कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन का भी हमारा बेयरिंग होता है। द कास्ट आयरन, यहाँ सी आई क्या है? कास्ट है। द कास्ट आयरन बेयरिंग्स आर यूजुअली यूज विथ स्टील जर्नल्स, ठीक है, स्टील जर्नल यानी जर्नल, यहाँ पे जब भी कहें दिमाग में आना चाहिए साउथ भी, ठीक है, तो कास्ट आयरन का जो बेयरिंग है वो किसके साथ यूज होता है? स्टील जर्नल के साथ। दिस टाइप ऑफ बेयरिंग इज सक्सेसफुल अप टू 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3.5 न्यूटन पर मीटर यानी लो प्रेशर के लिए ये सक्सेसफुल है, 3.5 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर, एंड स्पीड 40 मीटर पर मिनट, ठीक है, स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए? 40 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। विथ एडिक्वेट लुब्रिकेशन, यानी इसमें क्या है, सफिशेंट लुब्रिकेशन हम लोग को देना पड़ेगा, एडिक्वेट लुब्रिकेशन मतलब सफिशेंट लुब्रिकेशन हम लोग को देना पड़ेगा कास्ट आयरन में, ठीक है, जब कास्ट आयरन का यूज करेंगे उसके बाद हमारा क्या है जनरल स्टील करना चाहिए, तो हमारा एक क्वेश्चन वैसे भी तैयार हो गया, एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टील जलने के साथ मेनली कौन सा हम लोग बेयरिंग यूज करते हैं? कास्ट आयरन। चलिए एक आंसर हमारा एक्सटर्नल यानी सॉरी टेक्निकल एग्जाम के लिए तैयार हो गया। आगे अगला कौन सा है? सिल्वर, ठीक है, सिल्वर को यूज करते हैं। द सिल्वर एंड सिल्वर लेड बेयरिंग, सिल्वर एंड सिल्वर यानी सिल्वर के साथ यहाँ पे लेड है पीबी, बेयरिंग आर मोस्टली यूज इन एयरक्राफ्ट इंजन वेयर द फैटिक स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, ठीक है, फैटिक स्ट्रेंथ हमारा, हम लोग कल देखे थे फैटिक स्ट्रेंथ भी हमारा कंसिडरेशन है एयरक्राफ्ट में, वो हाई प्रेशर पे होता है वहाँ पे, ठीक है, प्रेशर वहाँ पे, और वहाँ पे फैटिक, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर यूज कर रहे हैं, सिल्वर हम लोग को पता है कॉस्टली है, ठीक है, तो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता है, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए भी वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग सिल्वर को, सॉरी वहाँ पे लो प्रेशर होता है, सॉरी सिल्वर जो हमारा होता है वो कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजन जहाँ पे कॉस्ट हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, हमारे लिए सेफ्टी बाउंडेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सिल्वर को यूज़ करते हैं एज ए बेयरिंग। समझ में आ गया, जैसे कि हम लोग बचपन पढ़े थे कि सिल्वर एंड गोल्ड आर हाईली कंडक्टिव इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन उसमें ज़्यादा होता है सिल्वर और गोल्ड में, बट क्या वो हम यूज करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? एक तो सबसे बड़ा रीज़न हमारा कॉस्ट ही है, हाईली कॉस्ट है, तो कॉस्ट कम करने की दूसरी जगह हम लोग अदर वायर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम टाइप का, और अगर लगा भी दे तो हमारे यहाँ के चोर इतने एक्सपर्ट है कि लाइट कटते हुए तार गायब हो जाएगा रात में, ठीक है। चलिए अपार्ट फ्रॉम जो आगे, द कार्बन ग्रेफाइट बेयरिंग्स आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग, कार्बन ग्रेफाइट बेयरिंग आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग, डायमेंशनली स्टेबल एंड केमिकली इनफ, ठीक है, तो कार्बन ग्रेफाइट जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग साइंस में पढ़े भी हैं कि हम लोग ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं, जो ग्रेफाइट नहीं देखे होंगे उनके लिए एग्जांपल दे रहे हैं, पेंसिल तो सबके पास होगा, एक जो पेंसिल का लेड होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, समझ में आ गया, और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बचपन में प्रैक्टिकल भी करते थे उसका, एक ग्रेफाइट होता था वहाँ तार लगाए हमने बैटरी सब कनेक्ट किए सर्किट कंप्लीट हुआ और लाइट ऑन हो गया, ठीक है, ये बचपन में किए हैं, तो ग्रेफाइट बेयरिंग आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग डायमेंशनली स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट, ठीक है, केमिकली इनर्ट भी होता है और डायमेंशनली स्टेबल भी होता है।
दिस टाइप ऑफ बियरिंग आर यूज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वेयर कंटामिनेशन ऑफ ऑयल एंड ग्रीस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ होता है, अगर हम लोग वहाँ बियरिंग वगैरह में लुब्रिकेंट यूज करेंगे, ठीक है, या ऑयल या ग्रीस यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फूड के साथ उसका कंटामिनेशन भी हो जाता है, यानी उसके साथ वो भी मिक्स हो जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल या ग्रीस भी। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट। और चूँकि हम अभी देखे हैं ये केमिकली इनर्ट होता है और स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए कार्बन का ग्रेफाइट है वो हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा और क्वेश्चन तैयार हो गया कि अगर एक्सटर्नल या टेक्निकल एग्जाम में आता है कौन सा बियरिंग हम यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग में, सबका जवाब यही आएगा कार्बन ग्रेफाइट बियरिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है और स्टेबल एंड केमिकल इनर्ट होता है। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा वहाँ तैयार हो गया। आगे, द कॉमनली यूज प्लास्टिक मटेरियल फॉर बियरिंग इज नाइलॉन एंड टेफ्लॉन। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल हम बियरिंग के लिए बनाएंगे, सॉरी बियरिंग बनाने के लिए अगर कोई प्लास्टिक मटेरियल यूज करेंगे तो कौन सा यूज करते हैं लोग, नाइलॉन एंड टेफ्लॉन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक जो पॉलीमर है इसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक मटेरियल ऐसा जिसको हम लोग बियरिंग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं मटेरियल यूज फॉर स्लाइडिंग और बियरिंग। आगे हम लोग देखेंगे टर्म्स यूज इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक टॉपिक करते हैं, मिलते हैं फिर, थैंक यू।